कश्मीर में पत्थरबाजी के शिकार हुए इमरान हाशमी। पहलगांव में अनजान लोगों ने फेंके एक्टर पर पत्थर। फिल्म की शूटिंग खत्म कर घूमने निकले थे बाजार, पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी पत्थरबाज। एक्टर इमरान खान इन दिनों जन्नत हिंदुस्तान कश्मीर में है। हालांकि कश्मीर पहुंचने के बाद उनके साथ यहां कुछ ऐसा घटा जिसे वो शायद कभी भुला नहीं पाएंगे। कश्मीर पहुंचे इमरान हाशमी यहां पत्थरबाजी के शिकार हो गए। आपको बता दें कि इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग कश्मीर में कर रहे हैं। बीते दिनों ही इमरान फिल्म की पूरी यूनिट के साथ कश्मीर पहुंचे थे। पहलगांव में ग्राउंड जीरो की शूटिंग अच्छे से चल रही थी, लेकिन इमरान पर हुई पत्थरबाजी की घटना ने रंग में भंग डाल दिया है। इमरान पर पत्थरों से हमला तब हुआ जब वो पहलगाम की मेन मार्केट घूमने निकले थे। खबरों के मुताबिक फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी थी, लेकिन इमरान जब शूटिंग खत्म कर फिल्म के क्रू के साथ पहलगाम के बाजार में घूमने निकले थे, तब वहां मौजूद कुछ अनजान लोगों ने अचानक उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। गनीमत ये रही कि इस हमले में इमरान को कोई चोट नहीं लगी। वहीं बॉलीवुड एक्टर पर हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस महकमा भी फौरन एक्शन में आ गया। पुलिस ने पत्थरबाजी करने वाले बदमाशों पर धारा 147, 148, 370, 336 और 323 के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी मामले में पहलगाम पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। पहलगाम से पहले फिल्म की शूटिंग श्रीनगर में भी की गई थी। श्रीनगर में फिल्म की यूनिट ने 14 दिन तक शूटिंग की थी। श्रीनगर पहुँचने की जानकारी खुद इमरान ने एक तस्वीर पोस्ट करके शेयर की थी। आपको बता दें कि इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के एक जवान की कहानी है, जिसकी ड्यूटी पाकिस्तान से लगी सीमा पर है। इस फिल्म में इमरान हाशमी एक आर्मी ऑफिसर के कैरेक्टर में नजर आने वाले हैं। इस मिलिट्री ड्रामा का निर्देशन डायरेक्टर तेजस देउस्कर कर रहे हैं। तेजस इससे पहले माधुरी दीक्षित की फिल्म बकेट लिस्ट का निर्देशन भी कर चुके हैं। इमरान हाशमी स्टारर इस फिल्म में दो एक्ट्रेसेस भी नजर आएंगी। इमरान के अपोजिट एक्ट्रेस सईद अभेंकर दिखेंगी। वो फिल्म में इमरान की पत्नी का रोल निभा रही हैं। इनके अलावा एक्ट्रेस जोया हुसैन भी फिल्म में अहम रोल में नजर आने वाली हैं। बता दें कि ग्राउंड जीरो के अलावा इमरान हाशमी जल्द ही कई बड़ी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इमरान के पास सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 है। इस फिल्म में इमरान विलन के रोल में नजर आएंगे। इमरान फिल्म की शूटिंग खत्म कर चुके हैं। टाइगर 3 की रिलीज का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। तो वहीं टाइगर 3 के अलावा इमरान हाशमी के पास फिल्म सेल्फी भी है। फिल्म में इमरान के साथ अक्षय कुमार दिखेंगे। तो वहीं इस फिल्म में नुसरत भरूचा और डायना पेंटी को उनके अपोजिट कास्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।